रेस देख रही एक बार। बंद कर ले। नमस्कार जांगड़ा साहब। नमस्कार जी। आ जाओ नीचे उतर आओ। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि आपने एक अलग सीरीज दिखाई है हमारे को, जो बहुत ही कम यूट्यूबरों ने दिखाई होगी। मैसी की भाई यह है 2606 CRD इंजन के साथ आई है। तो इस ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाई को ये बताओ पहले। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दो हमारे किसान भाई को, आप भाई कहाँ के रहने वाले और कहाँ पर आपकी वर्कशॉप है। मैं नरेश जांगड़ा, गांव खेड़ी तगा, तहसील गरनौर, जिला सोनीपत, हरियाणा। मतलब सोनीपत। और ये भाई पीछे लिखा दिख रहा होगा आपने, खेड़ी तगा, यहाँ के रहने वाले हैं ये। और किसी भाई ने ट्रैक्टर अगर अपना रिपेयर कराना हो तो मैसी के स्पेशलिस्ट हो, ऑलराउंडर हो। तो भाई स्कूल की गद्दी बराबर में इनका घर है। और मिस्त्री जी, इस ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा सा बताओगे। CRD जो सीरीज है इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिल रही है हमारे किसान भाइयों को। अब अप्रैल के बाद में हर कंपनी 60 HP से ले गए, 60 HP से शुरू हो जाएगी और ऊपर तक के जितने भी ट्रैक्टर सब CRD आ जाएंगे ना, सभी कंपनियों के CRD आ जाएंगे। तो ये ट्रैक्टर आपके पास कहाँ से आया है? ये ट्रैक्टर मेरे पास आया है गड़ी बिंदरौली से। गड़ी बिंदरौली सोनीपत। सोनीपत। अच्छा जी। तो ये ट्रैक्टर आप बता रहे इसमें थोड़ा बहुत फॉल्ट था। हाँ, ये ट्रैक्टर किसान, इसका ट्रैक्टर का मालिक जो किसान है वो काफ़ी दिनों से परेशान था। कई मैकेनिकों के पास पहले बता रहा है, घुमकाया है, 1.5 महीना पानीपत भी खड़ा होगा है यूँ। अच्छा, 1.5 महीना पानीपत भी रहा है। हाँ, मतलब एजेंसी वगैरह में किसी मालिक मिस्त्री के पास कोई CRDI का काम करता है गुआने रोड पे। अच्छा अच्छा। नाम तो नहीं लेंगे हम किसी का, क्यों ना ना, ठीक है, किसी का नाम हमने किए तो उसके पास भी मतलब ठीक नहीं हुआ ट्रैक्टर। उसने कह दिया ऑल इंडिया में कहीं ले जाइए, स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, मतलब ये बता दिया कि ऑल इंडिया कहीं ले जाओ, स्टार्ट नहीं होगा, ये टेक्नोलॉजी कामयाब नहीं होगी इसमें। मतलब इसमें इन लाइन पंप लगा के चला लो या रोटरी पंप लगा के चला लो, उसने इन लाइन पंप लगाया इस पे। हाँ, खाली चलते भी गियर लगाते डाउन हो जाता, बंद हो जाता, लोड तो की लेता है। अच्छा, मतलब उसने ये कहा कि ना इनलाइन पंप से चलेगा ना रोटरी पंप से चलेगा। बोला इनलाइन पंप से चलाओ, इनलाइन पंप से चलाओ, लगा के दे दिया 25,000 रुपए करीब उस पर ठग लिए। अच्छा, 25,000 करीब ठग लिए गए इनलाइन पंप से चलाओ। पहले इसमें रोटर पंप था? नहीं, यही था, CRDI टेक्नोलॉजी थी। अच्छा, CRDI टेक्नोलॉजी। अच्छा, वो जो वो खोल के दिखाओ एक बार। तो अच्छा, एक ग्रिल वाली तो है, हाई प्रेशर पंप। इसका हाई प्रेशर पंप, ये कोमल रेल है, कोमल रेल होगी, ये इलेक्ट्रिक इंजेक्टर है, इसके इंजेक्टर होगी। हाँ, ठीक है। हाँ जी। और ये यहाँ पे इसके अंदर हमने फिटिंग कर दिया, सारा खुला हुआ था, ACM है इसका। इसका ACM हो गया। हाँ, जो इसका गाड़ियों की तरह। हाँ, जो ये दिमाग मानो, इसके दिमाग की मर्जी अगर काम नहीं होगा। हाँ हाँ। तो फिर इसमें क्या दिक्कत पाई आपने इसमें? इसकी वायरिंग भी के साथ भी छेड़खानी कर रखी थी और ECM में भी खराबी थी। ACM में भी दिक्कत थी। हाँ, वायरिंग में भी दिक्कत थी। इसके इंजेक्टर फटे हुए थे तीनों। इंजेक्टर फट रहे थे तीनों। हाँ, तीन सिलेंडर इंजन के साथ ये इसका सेंसर खराब था। अच्छा, ये सेंसर कोमल रेल का। हाँ, ये 6,500 रुपए कीमत है इसकी। इसकी 3,500 रुपए कीमत है, ये खराब था। इसके अंदर भी काम था, हाई प्रेशर पंप के अंदर भी कमी थी। तो हमने हाई प्रेशर पंप, कोमल रेल और इंजेक्टर तीनों रिपेयर चंडीगढ़ मनी माजरा बोस का सर्विस सेंटर ना। हाँ हाँ, वहाँ कराए हैं। अच्छा, जो बोस का मनी माजरे में चंडीगढ़ सर्विस सेंटर, वहाँ से आपने इनको रिपेयर कराया। हाँ। तो उसमें भी बहुत ज्यादा खर्चा आ गया होगा आपका। करीब आ गया इसमें 22,800 रुपये करीब। 22,800 करीब खर्चा आ गया। और उस मिस्त्री ने पानी पतवाले तो मना ही कर दिया, इन लाइन पंप लगा कर जुगाड़ कर दिया, ट्रैक्टर स्टार्ट तो कर दिया, मतलब गियर लगाते बंद हो जाए ट्रैक्टर। हाँ, धुआंदान, डीजल भी। और अब तो देखिए इसका परफॉर्मेंस, हमने इसीलिए स्टार्टिंग से दिखाया। तो ये ट्रैक्टर कितने HP का ट्रैक्टर है जी? 65 HP का। और इंटरकूलर भी लगा हुआ है? इंटरकूलर भी है। टर्बो इंजन और डीजल ठंडा करने के लिए, डीजल ठंडा करने के लिए भी ये नीचे कूलर लगा हुआ है ना। ऑयल कूलर इसको बोर्स कहे ना, डीजल ऑयल कूलर है ना। और ये टर्बो भी इसके अंदर लगी हुई है, ये ऑयल इंजन ऑयल कूलर ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से इंजन ऑयल मतलब इंजन का ऑयल जो कूलर के अंदर जाकर ठंडा होगा, यहाँ होगा ना। अच्छा, फिल्टर के अंदर इसमें जो डीजल रिटर्न जाओ ना, जो पंप में इंजेक्टर में फालतू तेल आ जाए, जो रिटर्न होगा जाएगा, यहाँ ठंडा होगा, दोबारा टंकी में जाएगा। अच्छा, ठंडा होगा डीजल, दोबारा उसमें जाओगे टंकी में। ये मोबाइल ऑयल के लिए होगा कूलर यहाँ पे सिस्टम ना। और
काफी बढ़िया ट्रैक्टर लग गया। ड्रायर टर्बो है, ये टर्बो हो गया, दिख रही है इसमें, ये ईजीआर भी है, ईजीआर भी लग गया। अच्छा ये वाला, इसका ईजीआर सिस्टम कुछ अलग और ट्रैक्टरों से अलग है, अलग है। अच्छा ये ईजीआर सिस्टम इसके अंदर, और ये टर्बो इसमें मेरे ख्याल छोटी लग रही है, शायद 25 नंबर हो सके ना, नौ सॉरी 20 नंबर, 20 नंबर टर्बो पाएगी। और गियर वगैरह की इसकी हम बात करें तो इसमें ट्रांसमिशन कौन सा दे रखा कंपनी ने? सारा वो स्टल गियर भी है इसमें, सटल गियर भी है। अच्छा ये तो जैसे हाथ की रेस होगी यहाँ पे, ये और उधर स्टल गियर हो गया, एक्सीलेटर हो गया, हाँ वो उधर स्टल शिफ्ट हो गया, साइड स्टीयरिंग के हो गया, ये आई लो, ये आई और लो का हो गया, दो स्पीड आई लो में, और वैसे बाकी ये फंक्शन काम करेगा इसका। और वैसे इसके अंदर हो गया एक रिवर्स और तीन फ्रंट, तो मार्क रिवर्स तो इसमें यहीं पे दे दिया, फिर इसमें रिवर्स वहाँ पे भी है नहीं? हाँ वो सर, फिर यहाँ पर चार गियर हो गए, मुठ्ठा चेंज हो रहा होगा, तो इसका ये चार गियर है यहाँ पर ना, यहाँ पर चार गियर हो गए, वहाँ रिवर्स हो गया। हाइड्रोलिक इसमें मार्क थ्री की है, मार्क थ्री हाइड्रोलिक है, हाँ जो पहले आती थी बड़े ट्रैक्टरों में, अब ये जितने भी एक्सपोर्ट ट्रैक्टर होते हैं मार्क थ्री की हाइड्रोलिक एक्सपोर्ट मॉडल में लगती है। अच्छा अच्छा मार्क थ्री की हाइड्रोलिक। और पीछे से दिखाओ गियर थोड़ा सा, इसका पीछे पलेंट्री गियर है ना? हाँ पलेंट्री गियर है, पीडी है, हाँ जी ऑयल ब्रेक है, ऑयल ब्रेक तेल वाले ब्रेक हो गए, मतलब पिछला ऐसा तो काफ़ी भारी दे रखे है एमएससी का, है ना? और कुछ इसमें कुछ और भी समस्या थी जो नहीं सोल्व हो पा रही थी किसी तरह, आपने कर बस दी? ये स्टार्टिंग वाली समस्या थी इसमें, और तो कोई नहीं थी। अच्छा स्टार्टिंग की समस्या थी, पास तो आई स्टार्टिंग की वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा था आपके लिए, स्टार्ट नहीं हो रहा था। इस टेक्नोलॉजी जो कंपनी ने सीआरडी आई की इसमें वो दे रखी है टेक्नोलॉजी, इसको रील बोलते हैं ना, ये कोमल रेल, कोमल रेल, रेल सॉरी मैं रेल बोले कोमल रेल, तो इसके पीछे इंजेक्टरों के, इंजेक्टरों में भी फॉल्ट था, कोमल रेल में भी, और हाई प्रेशर पंप में भी, हाई प्रेशर पंप में भी, ये इसका डीबी ये सेंसर भी खराब था, और ये कोमल रेल वाला भी, कोमल रेल मतलब सेंसर खराब थे, इंजेक्टर फटे हुए थे, जिसके कारण वो मिस्त्री तो इसकी बीमारी पकड़ नहीं पाया, ऊपर से कस्टमर को ये बोल दिया भाई पूरे भारत में कहीं घुमा लो स्टार्ट नहीं होगा, तो कमाल कर गया मिस्त्री जी आपने। तो भी हमारे पास आया, हमारा भी चैनल है ना यूट्यूब पे। अच्छा आपका भी, आपका चैनल, आपने चैनल का नाम बताओ एक बार, तो नरेश जांगड़ा के नाम से, नरेश जांगड़ा के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ तो हमारे चैनल पे उसने हमारी वीडियो देखी, हमारा काम पसंद आया, हाँ हाँ तो उसने हमारे से संपर्क कराया, तो ट्रैक्टर आपने रेडी कर दिया, मालिक को खुशखबरी पहुंचा दी, ट्रैक्टर रेडी हो गया है, दादी खुश है, मालिक कल आने वाला है, ये शो वगैरह लगाने रह रही थी इसकी, इसलिए नहीं आया था। अच्छा अच्छा आज फिटिंग करी फिर आपने बोनट की। तो ये ट्रैक्टर इंडिया में फिलहाल तो लॉन्च हुआ नहीं मेरे ख्याल में, अभी नहीं हुआ, ये बाहर एक्सपोर्ट हो रहे थे, एक्सपोर्ट हो रहे थे, तो मालिक ने कहाँ से लिया फिर ये? पता नहीं किसी कारण कहाँ से क्या लिया होगा, पता नहीं, हमने ये पूछा नहीं। अच्छा 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 चलो बड़ी खुशी हुई जान के, कि मतलब एक चैलेंज वाली बात आ गई थी भाई पूरे भारत में कहीं घुमा लो स्टार्ट नहीं होगा, आपने कर दिया। इसको स्कैन करने के लिए डाटा केवल अमेरिका से मंगाई है, आपने डाटा केवल अमेरिका से मंगाई स्कैन करने के लिए, तब जाकर आपको पता लगा भाई कहाँ बीमारी है। अच्छा नहीं नहीं, और डाटा केवल मेरे को परसों मिली, चार पांच दिन पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था, इंतजार करके डेढ़ महीने में केवल मिली है मेरे को। अच्छा डेढ़ महीना बाद डाटा केवल आपके पास पहुंची है? हाँ, उससे चार आपने उसके उसके आने से पहले ही तैयार कर दिया ट्रैक्टर? हाँ, बस चलता रही कार्रवाई, तो चली रही थी हमारी, हाँ हाँ कार्रवाई तो बंद करी नहीं थी। तो इसमें लगभग स्टार्ट करने में कितना खर्चा लग गया होगा मालिक का? लगभग 50,000 रुपए करीब खर्चा जो आपके पास होया गया टोटल टोटल सारा, जैसे बोस वाले का भी है, पंप वाले का, वायरिंग वाले का, ईसीएम में फाल्ट था, ईसीएम वाले का है, हमारा भी है। अच्छा अच्छा हमने टोटल सारा लगा के 50,000 रुपये में ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया, लगभग 50 के करीब हो गया। और उसने तो ठगे लिया पानी पता लेने दो। कितने का लगा पंप बता उसने? वो उसने ले लिया उसमें 25,000 रुपये करीब, 25,000 रुपये का इनलाइन पंप लगा के दे दिया। तो आपके पास जब आया, जब आपके पास ये ट्रैक्टर आया तो ये ही लगा हुआ था इसके अंदर या इनलाइन पंप लग रहा था? इनलाइन पंप लगा हुआ था, वो अटवागन है, वो ले गया कस्टमर, ले गया अपना। हाँ कस्टमर का दे दिया था आपने, अगला उससे दो या कुछ करो। थोड़ा सा इसका टायर साइज और दिखा दे किसान भाई ने, इसका टायर साइज कितना है? ये भाई 750/16 का है, 750/16। लेकिन देखने में टायर आपने अजीब गरीब लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कई भाई जो है 1,016 का जो टायर डलवा रहे हैं ना उसके साइज का टायर है, इसके मतलब गुड्डी का ये डिजाइन अलग है। और पिछले टायर का साइज बता दें भाई आपने, 1628 का है पिछला टायर, ये देखो 1628। और मतलब खुला प्लेटफॉर्म है, स्ट्रेट तो नहीं है, है तो बीच में गियरबॉक्स पर ऊंचा है लेकिन स्ट्रेट नहीं है, खुला है, चौड़ा है, और दो पैडी लग रही, और डीजल टैंक भाई इसका साइड में दे रखा है साइड में। तो अपना अंदाजा हो कितने लीटर का डीजल टैंक होगा इसका? इसका 75 लीटर के आसपास है, 75 लीटर के आसपास है।
और 65 HP ट्रैक्टर हो गया, हाँ। 3 सिलेंडर इंजन में। और भाई ये दिखा दें आपने भाई, सस्पेंडेबल क्लच पैडल है भाई इस ट्रैक्टर के अंदर, और इसका जो है अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी कि डैशबोर्ड दिखा दें मैं। जैसे कि भाई ये तो इसका जो है RPM वाली सुई होगी, और ये हो गया इसके आवर्स मीटर जो कि डिजिटल इसके अंदर दे रखे है। और ये क्या हीटर सिस्टम है क्या इसके अंदर? ये हीटर सिस्टम है। अच्छा, हीटर देने के बाद अब स्टार्ट होगा, जैसे बत्ती चलेगी ना? हाँ। अच्छा अच्छा, बत्ती जाने के बाद स्टार्ट होगा। ये इसका भाई बैटरी का मीटर हो गया जिससे पता लगेगा कि बैटरी कितनी चार्ज है, और ये इसका ऑयल प्रेशर का मीटर हो गया, और ये हो गया भाई इसका फ्यूल टैंक का मीटर, और ये ट्रैक्टर के टेम्परेचर का मीटर हो गया, और ये छोटे छोटे इंडिकेशन आपने दे पता ही है, जैसे इंडिकेटर हो भाई, और ऑयल की होगी, बैटरी की बत्ती होगी, स्विच है कि नहीं है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर की होगी, और हेडलाइट वगैरह की होगी, बाकी काफ़ी मतलब खुला ट्रैक्टर है प्लेटफॉर्म के हिसाब से दिक्कत हो। और भैया यहाँ पे सटल सिस्टम है, ये दिख रहा होगा आपको, बीच में न्यूट्रल, पिक्चर रिवर्स और आगे फ्रंट, और ये इसका मुट्ठा चेंज हो रखा है भाई, इसमें 4 गियर आए हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें आपको रिवर्स और 1, 2, 3 दिख रहे होंगे, तो 4 गियर यहाँ पर हो गए, और ये हो गया हाई और लो, यानी कि 8 गियर हो गए, और 8 × 16 सटल के हिसाब से 16 गियर हो गए इसके अंदर। और भाई ये होगी इसके हैंड ब्रेक हो गया पार्किंग वाला, और ये भाई इसका PTO का लीवर हो गया, और इसमें डुअल क्लच शायद पैर में दे रखी फिर है ना? हाँ है ना, पैर में दे रखी है पैर में। और मुर्गाड़ इसमें भाई पुराने मॉडल के टाइप के हैं, जैसे 10-35 में काफी पुराने आते थे, एक्सपोर्ट मॉडल में तो ये चला है क्योंकि दूसरे देश में सवारी अलाउड ही नहीं है, दूसरी सवारी अलाउड ही नहीं है एग्रीकल्चर में तो। और भाई एक और चीज़ है, जैसे ये ट्रैक्टर एक्सपोर्ट किया जावा तो इस ट्रैक्टर के अंदर भाई सीट बेल्ट भी है, ये यहाँ पर लॉक हो जाए सीट बेल्ट, और ये इधर जो है फोल्ड करके इस पर बांध रखी वैसे, और काफ़ी बढ़िया लग गया ट्रैक्टर। और भाई समय रहा तो आपने इसका परफॉर्मेंस जो है ना भाई खेत में और दिखाऊंगे। तो नरेश जांगड़ा जी, आप तो मेरे नाम राशि हो गए, तो जांगड़ा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मतलब मालिक के ख़राब हुए ट्रैक्टर को तैयार कर दिया, और एक पूरा चैलेंज एक्सपेक्ट करा आपने तो भाई कि पूरे इंडिया में किसी भी मिस्त्री दिखा लो स्टार्टर नहीं होगा, तो दे दिया चैनल, चैनल इस लाइन में चैनल चलता नहीं ना। हाँ, ये मिस्त्री लाइन तो देखो ऐसा है किसी का भी दिमाग काम कर सके, जैसे आपका काम कर गया कि भाई कहाँ से करेगा, इस लाइन में चैनल नहीं चलते, चैलेंज नहीं चलते, सही बात है। तो एक बार ट्रैक्टर स्टार्ट करो, और थोड़ा सा एक चक्कर आप उस साइड का और एक इस साइड का, और एक बार स्टार्ट करके ना पूरी रेस दियो, जैसे धुआं वगैरह दिखाओगे, कोई धुआं वगैरह नहीं है, एक बार दिखा दें कंफर्मेशन के लिए कस्टमर के, करियो स्टार्ट एक बार। ठीक है, एक बार आप उतर ले जाओ वहां तक, घुमा के मोड़ पता है, और फिर अंदर ले आइए उल्टा। हेलो भाई, जांगड़ा साहब ने पूरा चैलेंज एक्सपेक्ट कराया भाई कि भाई पूरे इंडिया में कहीं घुमा लो, कोई इसको स्टार्ट नहीं कर पाया, पर जांगड़ा साहब ने ट्रैक्टर को स्टार्ट कर दिया, CRD टेक्नोलॉजी के साथ है ट्रैक्टर, और ये स्कूल के पास में वे जांगड़ा साहब का घर है, वर्कशॉप इन्होंने घर पर ही बना रखी है अपने, 2606 CRDI इंजन के साथ में भाई, ये जिटोड़ की साइड से जो रास्ता हुआ है तो स्कूल के बिल्कुल दीवार का दीवार लग के भाई इनका घर है, और घर के अंदर ही इन्होंने वर्कशॉप बना रखी है, मतलब गेयर भी क्या इसको यही पीछे नहीं, खेत वगैरह भी है। तो एक ये ट्रैक्टर भी आया हुआ है भाई जांगड़ा साहब के पास में, न्यू होलैंड 3032 और इसकी भाई लिफ्ट वगैरह में दिक्कत थी जी, तो इसकी लिफ्ट का काम हो लग रहा है भाई, पीछे पीछे खड़ा कहाँ है? अच्छा, ये खोल रखे अपने कति अलग अलग, ये भाई गियर है, और ये पीछे का हिस्सा हो गया, और इंजन की साइड है, अच्छा वो इंजन रखा है,
ये कौन सा ट्रैक्टर तैयार हो लग रहा है आपके पास में? 735 ड्यूल क्लच होगा ये? ड्यूल क्लच 540 rpm पे। हाँ। पहले 1000 rpm पे थी पीटीओ? 1000 rpm पे थी, सिंगल क्लच था। अच्छा अच्छा, पुराने मॉडल में सिंगल क्लच आती थी ना। हाँ हाँ हाँ, 735 में, अब ड्यूल क्लच होगा ये। अच्छा जी, तो जांगड़ा साहब समय के अकॉर्डिंग आपकी वीडियो और भी दिखाते रहूँगे किसान भाइयों ने। तो भाई मिलेंगे किसान भाई किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाई को नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत। भाई यह वीडियो आपने इंडियन ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल और इंडियन ट्रैक्टर फेसबुक पेज दोनों जगह मिल जाएगी।